गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के बिजनेस स्टडीज़ के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे। हमें ज़रूरी नहीं कि एक दिन में बहुत सारा हो, लेकिन चाहे थोड़ा सा हो लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो सारी बिजनेस एनवायरनमेंट की बाहर की चीज़ें, उसकी बाउंड्री के बाहर की चीज़ें जो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालती हैं, ठीक है। ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, ऑल द एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर की सारे फोर्सेस, सारी चीज़ें, सारी संस्थाएं, सारे व्यक्ति जो बिजनेस पे डायरेक्टली या तो डायरेक्ट असर डालते हैं या इनडायरेक्टली, अच्छा या बुरा। समझ में आ गया? ऑल द एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी या संस्थाएँ या व्यक्ति जो कि या तो डायरेक्ट असर डालते हैं या इनडायरेक्ट असर डालते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। अब देखो, अब सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक में सारे व्यक्ति आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे, ठीक है, और जो जनरल फोर्सेस में आएंगे नॉन ह्यूमन बींग्स आएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोर्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड कैसे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक फोर्स से भी बनता है और जनरल फोर्स दोनों से बनता है। तो स्पेसिफिक फोर्स में ज़्यादातर कौन आएंगे, मैंने बोला था ना, ह्यूमन बींग जो इन्वेस्ट करता है वो भी असर डालेगा बिजनेस पे। कस्टमर, ठीक है, कैसे असर डालता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे तो, और करेगा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं करेगा तो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। कस्टमर जो रहेगा नई चीज़ खरीदेगा, या तो अगर उसका हमारे गुड्स के प्रति रुझान हो जाए तो हमारा बिज़नेस अच्छा चल पड़ेगा, और अगर वो हमारे गुड्स से ना खुश हो जाए तो हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा। कॉम्पिटिटर की पॉलिसी अच्छी या बुरी, वो असर डालती। सप्लायर का कच्चा माल देना, वो भी असर डालता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक फोर्स आएंगे। स्पेसिफिक फोर्स में क्या आएगा, सारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर और भी आ सकते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक फोर्स में आते हैं। और नॉन ह्यूमन बींग यानी जनरल फोर्स, जनरल फोर्स में क्या गया है, समाज से भी बिजनेस का असर पड़ता है। अगर समाज के हिसाब से नहीं करता तो समाज में रहने वाले लोग उसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है ना, तो वो भी बिजनेस पर असर डालती है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट भी बदलती रहती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कोई दूसरी पार्टी, तो ये भी असर डालती है बिजनेस पे। और ये जो ये डायरेक्ट असर डालते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दे, कस्टमर खरीदना बंद कर ले, सप्लायर देना बंद कर दे, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में मतलब ये चेंज आए, तो ये डायरेक्ट असर डालती है। और ये जो है सोशल, लीगल मतलब जो भी कानूनी एक्टिविटी है ना गवर्नमेंट की, ठीक है, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स वगैरह, ये इनडायरेक्टली असर डालती है बिजनेस पे, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्स जो रहता है बिजनेस को अफेक्ट डालता है। जनरल फोर्स जो रहता है, ये स्पेसिफिक फोर्स जो रहता है एक पर्टिकुलर बिजनेस पे अफेक्ट डालता है। जैसे ये एक जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता था खरीदना बंद कर दे, वो इन्वेस्ट करना बंद कर दे, कस्टमर जिस बिजनेस से गुड्स खरीदता था वो खरीदना बंद कर दे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बिजनेस पे असर डालेगा। पर जो समाज में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन रहता है, पॉलिटिक्स में परिवर्तन रहता है, वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर डालते हैं। आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए बदलती, ऑल ओवर इंडिया के लिए बदली, तो क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन आएगा। टेक्नोलॉजी में जो चेंज आया, तो उसके कारण देखो पहले क्या होता था, सारा काम अकाउंट्स का हाथ से किया जाता था बही खाते में, अब क्या हो रहा है, सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया जिसके कारण सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारा क्या होने लगा, ऑनलाइन होने लगा ना सब कुछ मैक्सिमम, ठीक है, और सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया कि नहीं आया। फिर इंटर रिलेशनशिप मतलब जैसे एक पहले एग्जांपल समझेंगे फिर इंटर रिलेशनशिप का मतलब समझेंगे, ठीक है। जैसे जो आज के नौजवान हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को जैसे ही अपनाएंगे, जैसे ही वेस्टर्न कल्चर पे गए, तो उनकी डिमांड क्या हो गई, वेस्टर्न ड्रेसेस की हो गई, फास्ट फूड की बढ़ गई, ठीक है, फास्ट फूड खाने लगे, ठीक है। तो मतलब यानी क्या हुआ, एक चीज़ पे गए तो दूसरी डिमांड अपने आप ही हो गई। तो इसका इंटर रिलेशन बताया गया है कि ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, कि उसकी डिमांड वेस्टर्न कल्चर की हुई
ठीक है, तो डिमांड क्या हो गई फास्ट फूड की या मॉडर्न ड्रेसेस की, बढ़ गई। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से मतलब क्या होता है, बिजनेस अनिश्चित है, इसको प्रिडिक्शन करना, इसको भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि क्या चेंज होगा, क्योंकि मतलब एकदम से इतना चेंज आता है, इन्फॉर्मेशन टाइप फैशन में चेंज आ रहा है, लगातार चेंज आ रहा है, ठीक है, जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है, इस फिक्स नहीं है, इसको ज़रूरी कि मॉनिटर करते रहें लगातार बिजनेस में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर हमें बने रहना है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है, जो चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ तो फिर भी आ जाए, लेकिन क्या असर पड़ेगा हमारी कंपनी पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये बहुत मुश्किल है कि और कितना असर पड़ेगा। स्कैन करना इजी है, पर ये मुश्किल है ये जानना कि क्या असर पड़ेगा इस ये बिजनेस में इसका, है ना। कभी कभी चेंज तो माइनर होते हैं लेकिन अफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी टैक्स 5% ही बढ़ा रहा है, वो सिर्फ 5%, लेकिन हमारी जो कंपनी का इनकम का 5% निकाले तो हमारा बहुत सारा शेयर टैक्स के रूप में चले जाता है, ठीक है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे फिर उसके बाद इसके मीनिंग पे आएंगे हम। देखिए जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने, आप पहले ही हमने मीनिंग के साथ पढ़ चुके थे कि उनने बताया था कि पेप्सी और कोको कोला में पेस्टिसाइड है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, हेल्थ मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उनकी दुकान तो बंद हो गई, लोगों ने डर के मारे कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक है तो खरीदना बंद कर, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की पीने की तो आदत हो गई, तो क्या हुआ, जैसे इनकी डिमांड डिक्रीज़ हुई और सेल कम हुई, वैसे ही मतलब क्या हुआ, जूस, गन्ने के जूस, जो नींबू का शरबत होता ना, ठीक है, जो बना के बेचते हैं क्या कहते रिक्शे पे, ठेले पे, इस टाइप से, और ये पुराने ज़माने में बनाते थे, अभी भी बनाते हैं घर में सबके यहाँ, वो आम का कच्ची केरी का पना है ना, तो उसका बनाते हैं, तो इन सब की डिमांड बढ़ गई, जो पुराने जो है ना ट्रेडिशनल चीज़ों की डिमांड बढ़ गई इसकी। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर होता है डिफर, क्या हुआ, एक पे बुरा असर पड़ा किस पे, पेप्सी कोको कोला उनका बंद हो गया, कम हो गई सेलिंग, तो दूसरे पे अच्छा असर पड़ा कि जिन वो नहीं खरीदते थे पेप्सी कोको कोला कारण तो वो खरीदने लगे, ठीक है, आ गया। जैसे अभी बहुत बड़ी एग्जांपल है कोरोना कारण सब लोग चाइना से चिढ़ने लगे, जिसके कारण जो छाया गया था, सब चाइनीज फूड बहुत पसंद करते थे, ठीक है, और जो हमारे जो देश के समोसे कचौड़ी फुल्की ये सब खाना बंद करके, देसी चीज़ें खाना बंद करके, वो फास्ट मतलब यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब लोग इतने चिढ़ने लगे, नफरत करने लगे कि उसकी सेलिंग कम हुई, और जिसके कारण जो हमारे देसी प्रोडक्ट हैं उनका बिकना बढ़ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये फीचर्स हैं हमारे, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें और संस्था और व्यक्ति जो कि हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर डालते हैं। स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक में क्या आएंगे, व्यक्ति आएंगे ह्यूमन बींग्स, और जनरल में क्या आएंगे, नॉन ह्यूमन बींग्स, जो कि बिजनेस पे डायरेक्ट, जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ये सब इन्वेस्टर हमारा इन्वेस्ट करना बंद कर दे, कस्टमर हमारा हमसे लेना बंद कर दे, ठीक है, कॉम्प्यूटर की पॉलिसी चेंज हो, ये सब ये डायरेक्टली असर डालते हैं। और नॉन ह्यूमन बींग यानी सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये क्या होता है, इनडायरेक्टली असर डालते हैं बिजनेस पे, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक फोर्स है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में मैंने बताया था ना, एक ही जगह बंद करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना बंद करेगा, एक जो कस्टमर है एक ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना बंद कर देगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बिजनेस पे असर डालता है। लेकिन जनरल फोर्स जो रहता है सभी सब पे असर डालता है, जो समाज में परिवर्तन आएगा, लोगों का दृष्टिकोण चेंज होगा, तो बिजनेस पे बहुत फर्क आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट बहुत चेंज आएगा, सरकार बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी। तो इंटर रिलेशनशिप में हमने पढ़ा कि अगर एक चीज़ पे हम जाते हैं तो दूसरी चीज़ की अपने आप डिमांड बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी में पढ़ा कि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज आता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट यानी परिवर्तनशील है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है, ठीक है, इसलिए इसको मॉनिटर करना, स्कैन करना बहुत ज़रूरी है लगातार। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि हमको असर तो हम समझ सकते हैं स्कैन करके, ठीक है, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
रिलेटिविटी में हमने क्या पढ़ा कि हर कंपनी में अलग अलग असर पड़ता है, किसी को अच्छा और किसी को बुरा। जैसे एग्जांपल पढ़ा ना, जैसे को पेप्सी और कोको कोला का कि पेस्टिसाइड था पेप्सी और कोको कोला में पाया गया, तो गवर्नमेंट ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जिसके कारण उनकी सेलिंग कम हो गई और जिसके कारण क्या हुआ, हमारे जूस और देसी जो ठंडाई वगैरह इनकी डिमांड बढ़ गई। थैंक यू।